राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में सफ़ेद मक्खी किस दवा से कंट्रोल करें और सफ़ेद मक्खी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में क्या हानि पहुंचाती है। ये कौन से रोग को वाहक का काम करती है जिससे हमारे शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में क्या हानि है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च की खेती कर रखी है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो किसान भाइयों, बात करें शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में सफ़ेद मक्खी की, तो सफ़ेद मक्खी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम करती है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये सफ़ेद मक्खी है और सफ़ेद मक्खी को अगर हम पौधे से हिलाकर देखेंगे तो ये वह सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी उड़ती हुई दिखाई देगी हमारे शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में। ये हमारे जो शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में क्लोरोफिल को चूसने का काम करती है और जिस पौधे में अगर किसान मित्रों वायरस लगा हुआ होता है तो यह दूसरे पौधे के लिए वाहक का काम करती है। यह एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो हमारा वायरस है उसे पहुँचाने का काम करती है। तो किसान भाइयों, ऐसे जो हमारी सफ़ेद मक्खी है शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में अगर समय रहते हुए इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे पूरे खेत के लिए एक किसान मित्रों वायरस ग्रसित कर देती है। तो किसान भाइयों, इसे समय रहते हुए अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च से हमें कंट्रोल करना चाहिए। और शिमला मिर्च में किसान मित्रों ये सफ़ेद मक्खी और पतली मिर्च में सफ़ेद मक्खी लग जाती है तो ये हमारे जो पौधे का है रस चूस लेती है जिससे हमारा पौधा है वो पीला पीला दिखाई देता है, फूल भी गिर जाता है किसान मित्रों इसके अधिक मात्रा में लगने से और वायरस जैसा पौधे दिखाई देते हैं। किसान मित्रों, अगर इसके कंट्रोल की जब हम बात करें तो आपको मार्केट में फेंथ्रिन 10% ईसी, इसे आप 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर अपने शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में आप स्प्रे करा देते हैं तो 7 से 8 दिन में जितनी आपकी सफ़ेद मक्खी है किसान मित्रों वो ख़त्म हो जाएगी। अगर एक बार में यह सफ़ेद मक्खी आपके खेत से ख़त्म नहीं होती है तो दूसरी रिपीट स्प्रे भी इसी दवा की आप करा सकते हैं। किसान मित्रों, ऐसे आप 8 से 10 दिन के अंतराल से दो स्प्रे करा सकते हैं तो आपके जो खेत में जो सफ़ेद मक्खी है शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में ख़त्म हो जाएगी। किसान मित्रों, यही दवा आपको मार्केट में धानुका कंपनी की मार्कर नाम से आपको मिल जाएगी और मार्कर नाम से जो दवा है वो धानुका कंपनी की दवा और बहुत ही अच्छी किसान मित्रों दवा है। ये सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी एक ऐसा कीट है जो हमारे शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में बहुत हानि पहुंचाता है। किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो नेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।